एक चीज़ हम और कर रहे हैं आज, सस्पेंशन अपग्रेड। अब ये मेरी बाइक में नहीं हो रहा, ये हो रहा है रची जी की बाइक में। ये है नए रियर सस्पेंशन, ये है यासुसु, ये रची जी ने मंगवाए हैं ताइवान से, इंपोर्ट करें। और इसका बेनिफिट ये है फॉर शॉर्ट राइडर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी एडजस्टमेंट हो जाती है, आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ट्रैवल सस्पेंशन अच्छा हो जाएगा, जो राइडिंग क्वालिटी है वो अच्छी होगी। और अगर मैं दिखाऊं, सॉरी ये रहा SNH, तो सॉफ्ट एंड हार्ड यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। और जो हमारे वाले इंटरसेप्टर के आते हैं सस्पेंशन रियर वाले, उसमें खाली 5 या 6 पॉइंट होते हैं, वहीं तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर इसमें मल्टीपल हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये जो अगर देसी भाषा में बोलूँ तो चूड़ियाँ बोलते हैं जैसे, तो ये कम से कम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें हमारे में 5 या 6 तक एडजस्ट हो सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे उसको मैंने शूट नहीं करा था, मगर उस टाइम थोड़ा सा स्प्रिंग का प्रॉब्लम था, तो अभी हमने स्प्रिंग चेंज करा है इसका। और अभी रचित जी की बाइक में देखते हैं ये वाले फिट होते हैं नहीं, और अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो देखते हैं कैसा है, क्या इसका परफॉर्मेंस है। अभी टेस्टिंग चलेगी पहले, तो चलते हैं जल्दी से, काम चल रहा है। अभी तो चल रहा है खुलाई का काम, उधर लगा दिया, पंकज बहुत तेज है, बहुत तेज हाथ चलता है इसका, उधर उधर लगा दिया, देखो कहाँ पे, उस तरफ लगा दिया, अच्छा उधर लगा दिया, इधर ऑलरेडी लग चुका है, अभी ये टाइट होगा सारा नट वगैरह लग के, उसके बाद इसकी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। लग तो गया स्प्रिंग जो था वो तो इशू सॉल्व हो गया ना, इधर का टाइट हो गया। हाँ भैया बस यही टाइट करना है। और ये कितने पे करा तुमने सेट, कितने नंबर पे करा है? अभी चेक कर, अभी देखते हैं पहले कितने पे, मैंने ध्यान नहीं देखा, अभी घुमा के देखूंगा कितने नंबर पे करते हैं, देखते हैं उसके बाद ना, लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या बोलते हो फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा ही भैया, ये पड़ा अपना जो स्टॉक सस्पेंशन आता है, इसको रखते हैं यहाँ पे। एक कहाँ गया, इसके इंस्टॉलेशन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, बस एक तरीके से प्लग एंड प्ले ही बोल लो इसको, वो निकाला ये लगाया, एक नट नीचे है, स्टॉक चलेंसर होता ना, हाँ तो दिक्कत होती है, एक नट नीचे और एक नट ऊपर, हाँ। दो नट हैं टोटल इसमें, दो नट खोले और काम हो गया। ऑलमोस्ट रेडी है, उसके बाद इसकी टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं कि कैसी चलती है। ये चल रहे टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग, कूदो कूदो जरा, वाह वाह सही चल रहा है ना स्प्रिंग, दो हैवी राइडर बैठे हैं तो मतलब प्रॉपर टेस्ट हो चुका है, हैवी भी सुपर हैवी। एक बार टेस्ट राइड लेके देखो ना, चला के भी देखिए उसके वजन से, एक आदमी पीछे बैठो ना तगड़ा सा, मेरी कमर तोड़वा दी,
रियर सस्पेंशन का अपग्रेड हो चुका है, अब इसकी टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है। पंकज भाई तुम ही जा रहे हो अकेले, मगर तुम्हें एक भारी आदमी चाहिए पीछे। अरे इसको बैठा के ले जाना अभी। दवाइयों थोड़ा सा जाओ, तुम टेस्ट लेके आओ। बहुत टाइट हो गए, टाइट है ले आओ बोला तो तब से थोड़ा सा टाइट लग रहा है, इसको थोड़ा लूज करते हैं। क्या हो रहा है? टाइट है, झटका मार रहा है, बहुत मतलब झटका फील हो रहा है। क्या झटका फील हो रहा है? हाँ थोड़ा टाइट करते हैं, लूज करने टाइट हो गया। मज़ा तो आ गया, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। ये ऐसे टाइट हो जाता है पूरा? हाँ इसी से टाइट होता है, इसी से लूज होता है। वो जैसे हमारा स्टॉक वाला होता है वैसे ही। मैं बैठा हूँ एज अ पिलियन रचित जी के पीछे और हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच टाइप है, ऑफ रोड तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, मगर थोड़ी सी सब सड़क ऊबर खाबड़ है। सही चल रहा है, सही चल रहा है। मतलब मैं परसों भी बैठ के गया था जब आपके साथ, तो उस दिन से आज थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मेरे को। गड्ढे से निकालो, गड्ढे से निकालो। हाँ नहीं मुझे मालूम है। हाँ मुझे लग रहा है नहीं, बॉटम ऑफ हो रहा है। बॉटम ऑफ हो रहा है अभी भी। तो रचित जी की बाइक में जो हमने रियर सस्पेंशन का अपग्रेड करा है ये सक्सेसफुल है अभी तक। तो बाकी की जो टेस्टिंग होगी वो हम लोग चलाते रहेंगे और इसका रिव्यू बताते रहूँगा आपको। थोड़ा सा लूज़ था, मैक्स आउट हो रहा था, तो हमने उसको ठीक कर दिया, अभी एडजस्टमेंट हो गया था। बाकी रिव्यू इसका क्या होता है लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताता हूँ और इसकी प्राइसिंग आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता है। तो कंपनी में आपको बता देता हूँ, वाई सुसु फ्रॉम ताइवान। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।